गोरा के शो बिला में मैं हलीमा आपको खुश कहती हूँ आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत होगी पाकिस्तान में होने वाली नाम आईनी तरामीम पर तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं पाकिस्तान में होने वाली नाम आईनी तरामीम की कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान प्रेस की खबरों से तो यूं लगता है कि पाकिस्तान के आम शहरी को भी अंदाजा है कि पाकिस्तान की सरकार ये आईनी तरामीम क्यों करना चाहती है तो क्या पाकिस्तानी सरकार ये आईनी तरामीम करने में कामयाब हो जाएगी अगर नहीं तो क्या रुकावटें होंगी आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त आइनी तरह के हवाले से खबरें चल रही है वो बड़ी हैरत अंगेज है आम तौर पर हमने माजी में देखा कहीं पर भी अगर इस तरह की पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो तो वो सीक्रेट अंदाज के साथ होती है लेकिन लगता ही है कि पाकिस्तान के हर आम शहरी को जैसा कि आपने कहा मकमल अंदाज़ा है कि सरकार क्यों आईनी तरमीम करना चाहती है ज़ाहिर है सरकार का बुनियादी तौर पर मकसद अपनी पावर होल्ड को बढ़ाना है क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर समझती है इन फेस ऑफ पाकिस्तानी जजेस तो आइनी तरमीम में ज़्यादा बड़ा टारगेट जो है वो आ, पाकिस्तान की आ, अदलिया के हवाले से है और इस बात का अंदाज़ा ना सिर्फ हुकूमत में शामिल तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को है बल्कि अपोजिशन में बैठी हुई आ, पी टी आई को भी है और पी टी आई के हामी लोगों को भी है और आवाम उन साथ है मतलब अक्सरियत आवाम की तो उनको भी है तो कोई सीक्रेट नहीं है अब साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की ये जो सरकार है ये पाकिस्तान की आर्मी यानी इस्टेबलिशमेंट के कहने पर अपने हाथ मजबूत करना चाहती है ताकि आइनी तरमीम अदलिया के हवाले से इस तरह की हो कि आ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आ, जजों की तादाद बढ़ाई जा सके जो गालबन इस वक्त सत्रह है तेईस करना चाह रहे हैं आ, उनकी ये कोशिश है सरकार की कि उनके आ, हामी जजेस आए ताकि आइंदा जो बेंचेस बने वो उनकी मर्जी के मुताबिक बने और फिर इसके साथ साथ सिक्सटी फाइव ईयर्स की वो है रिटायरमेंट की एज सुप्रीम कोर्ट के जजों की उसको शायद सिक्सटी एट करना चाहते हैं ताकि इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी एक्सटेंशन मिले तीन साल की और बाकी जजों को भी मिले क्योंकि इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायजीसा वो पाकिस्तान आर्मी की मंशा के मुताबिक और पाकिस्तान की ये जो सिटिंग सरकार है उनकी मंशा के मुताबिक फैसले करने को तैयार या आमादा नज़र आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो आ, इस सेटअप के बारे में अगर फेवरेबल फ़ैसले होंगे तो वो उनके भी हक़ में हैं और मुल्क के भी हक़ में हैं तो वो ऐसा सवाल आपसे मेरा ये हम पे ये सवाल बनता है कि क्या पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी के लिए ठीक है ये बज़ाहिर बहुत ओपन और बहुत आ, मुश्किल फैसले हैं जो हो रहे हैं और बाइस भी लगते हैं लेकिन बाइसिस के साथ लगते हैं लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि बाज़ात मुश्किल फ़ैसले डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जारी रखने या मुल्क की आ, कुछ सिचुएशंस को संभालने के लिए ज़रूरी होते हैं देखिए फैसले आ, ये जो हैं ये मफादा की बुनियाद पर हैं ये किसी सूरत पे भी ऐसे फ़ैसले नहीं हैं जिनको हम असूलों की बुनियाद पर कराते हैं और ये सिर्फ इस वक्त की सेटिंग सरकार का मसला नहीं है ये जो भी पाकिस्तान में सेटिंग सरकार आती है वो आर्मी आ, के कहने पर जो उनके इंटरेस्ट में होता है जो आर्मी के इंटरेस्ट में होता है वो ऐसे फ़ैसले करते हैं माजी में हमने ये देखा था कि आर्मी आम तौर पर जो सरकार होती है उसको टॉपल डाउन करने के लिए आ, कुछ इस तरह की हरकतें अदलिया के साथ मिलकर करती है पाकिस्तान में इस बार वो पाकिस्तान की सिटिंग सरकार के साथ मिलकर ओपोजिशन को रोकने यानी पीटीआई को रोकने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं ऐसा बहुत कम होता था तो ये सिचुएशन है और अब इमरान खान और उनकी पार्टी ललकार रहे हैं इस सरकार को भी आर्मी को भी और वो ये कह रहे हैं कि खबरदार आप कोई ऐसी आइनी तरामीम ना कीजिए जिससे मुल्क को ख़तरा हो अब वहाँ पे तो हर कोई मुल्क को ख़तरा ही करार देता है बुनियादी तौर पर तो इन सब की अपनी पावर की जंग है तो जो आपने बुनियादी तौर पर पूछा कि क्या जब पाकिस्तान का हर आम शहरी या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चा बच्चा जानता है कि ये आइनी तरमीम क्या होने जा रही है और क्यों होने होने जा रही है तो फिर इसके लिए क्यों कोशिश की जा रही है इसलिए कोशिश की जा रही है कि इस वक्त की सरकार के हाथ बंधे हुए वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर उनके पास आए उनके पास पावर आने से मुराद यह आर्मी के पास पावर जाएगी और अपोजिशन और इमरान खान पेशंजा कसा जाएगा ये लड़ाई चल रही है दो सालों से जब से इमरान खान की सरकार गई है तो इमरान खान की सरकार के हमायती पाकिस्तान आर्मी में अभी भी मौजूद है पहले ज़्यादा मौजूद थे अभी भी मौजूद हैं सिस्टम में मौजूद हैं जजे मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो आर्मी की लीडरशिप है उनके जो हमायती हैं चाहे वो सरकार के लोग हों पोलिटिकल सरकार के लोग हों या सिस्टम में लोग हों उन दोनों ग्रोहों की आपस में ये लड़ाई चल रही है और मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा ये बहुत पुरानी लड़ाई है पाकिस्तान में मतलब जब से इमरान खान इकतदार में आए थे ख़ास तौर पर तब से और ये बुनियादी तौर पर लड़ाई चाइना और अमरीका की है इमरान खान अमरीका को बुरा भला तो कहते हैं मगर इमरान खान अमरीका और वेस्ट के मफाद में काम कर रहे हैं जो दूसरा ग्रुप है वो भी वेस्ट के खिलाफ नहीं है मगर वो चाइना की जेब में ज्यादा है तो ये जो आ, दोनों ग्रोहों की लड़ाई है इंटरनेशनल लड़ाई भी है और इनकी आपस की अंदर की लड़ाई भी है चलिए तो फिर अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की रियासत हमेशा की तरह खुद को भी और अवाम को भी इन मिसाइल मिल जाए रखेगी या कुछ बेहतरी होगी बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है वह बिल्कुल हमेशा की तरह पाकिस्तान में पावर स्ट्रगल पावर जो ये जो हंगर है इसकी इसी तरह जंग चलती रहेगी इसका फ़ायदा बाहर की ताकतें भी उठाएंगी और ख़ुद भी उनके जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में ख़ुद भी उनके मफाद में है कि वो इस जंग में उलझे रहें जैसा मैंने अभी पीछे कहा कहीं तो ये इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई है और कहीं ये इनकी आपस की पावर पॉलिटिक्स है जिसमें आर्मी के दो बड़े ग्रोह जो हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और पॉलिटिशन्स भी आ, इसी तरह बटे हुए हैं जिस तरह आर्मी के ग्रोह बटे हुए हैं तो ये हमेशा से इसी तरह आ, चल रहा है पाकिस्तान में मतलब पहले पाकिस्तान में बिल्कुल एज इट इज़ नहीं होता था मगर पावर पॉलिटिक्स तो हमेशा रही है वो पूरी दुनिया में होती है मगर पाकिस्तान में इस तरह की पावर पॉलिटिक्स हमेशा से रही और अब और संगीन नोयत की बढ़ गई है जिस का फायदा अवाम को नहीं होता अवाम भी कन्फ्यूज़ रहते हैं ख़ुद पॉलिटिशियंस भी कन्फ्यूज़ रहते हैं इवन आर्मी जो ये लड़ाई लड़ रही है जिनको पता भी है कि ये क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है वो भी कन्फ्यूज़ रहते हैं तो इस सारी जो रसाकशी है इस सारी रसाकशी का फ़ायदा अल्टीमेटली किसी को नहीं होता बस ये ऐसे ही उन्होंने एक बैटलफील्ड बनाई हुई है और उस बैटल में हर शख्स बिजी है और जो मुल्क है उसका बेड़ा गर्क होता जा रहा है और माइंड सेट जो लोगों का है वो भी बस तबाहकुन है सो so, आज का बिला तकल्लुफ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियॉन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.